नमस्कार, एमएमसी न्यूज में आपका स्वागत है। गांव में रहते हुए साल में 100 दिन के रोजगार गारंटी की योजना जो भारत सरकार के द्वारा चलाई जाती है ताकि लोगों को उनके गांव में ही रोजगार मिले और पलायन पर रोक लग सके। ऐसे में अगर हम गाजीपुर जनपद की बात करें तो गाजीपुर में कुल 3,19,000 जॉब कार्ड धारक मजदूर है, जिसमें से 1,04,000 एक्टिव जॉब कार्ड मजदूर है, जिसके तहत 2,06,000 एक्टिव मनरेगा मजदूर गाजीपुर जनपद में काम करते हैं। इन मजदूरों को लॉकडाउन के दौरान भूखे रहने की नौबत ना आए, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इनके खातों में 1,000 और कार्ड धारक मजदूरों को 35 किलो राशन देने का शासनादेश जारी किया गया, लेकिन यह शासनादेश का लाभ गाजीपुर के अधिकतर मनरेगा मजदूरों को नहीं मिल पा रहा है। मजदूरों ने ग्राम प्रधान पर आरोप लगाते हुए कहा कि जॉब कार्ड और बैंक खाता का पासबुक ग्राम प्रधान अपने कब्जे में रखा हुआ है और अपने तरीके से मजदूरों का भुगतान करता है। ऐसा ही एक मामला सामने निकल कर आया है। जी हां, जिले के जखनिया ब्लॉक के धामुपुर ग्राम सभा के चकमकपुर गांव के ग्राम प्रधान क्षेत्र के मनरेगा मजदूरों को अब तक कोई लाभ नहीं दिया है। यह मामला सिर्फ एक ग्राम सभा का नहीं बल्कि इसी तरह का मामला रेवतीपुर ब्लॉक के कई ग्राम सभा का है, जहां के ग्राम प्रधान के द्वारा मनरेगा मजदूरों के खातों से जबरन पैसा निकलवा कर उन्हें 300 रुपया देने का मामला सामने आया है। आपका नरेगा में नाम है? हाँ। नरेगा में पैसा भी आप काल ले? हाँ। तो पैसा आपको मिले क्या? मिलल कभी ना मिले। एक बार पैसा तेरे से उतर ना ले लेना, पैसा ना देना 8,000 संजय हमार हरजन हम तुम ले ले ले। अच्छा, इतकी पाई तो के राशन आल? राशन मिले ले? हाँ, राशन मिले ले। अगर बाद नरेगा में 1,000 रुपया पैसा आल आपके मिलल? नहीं, अभी ना मिले ले। अच्छा, आपके गांव के प्रधान के बा जलंधर, आपको पैसा एको बार ना मिल? नरेगा एको बार ना मिला ले पैसा? नरेगा का पैसा आया है आपके अकाउंट में 1,000 रुपए, आपको मिला है कि नहीं? अभी नहीं मिला है। नहीं मिला है? तो नरेगा का पैसा पहले आपको मिलता था? नहीं नहीं, पैसा मिल तो अकाउंट में आवत रहे तो के लेते रहे तो आर पैसा आवत रहे तो पैसा तो उतारत रहा नरेगा का? कितना आवत रहे तो के? कबो आवा 2,000 कबो आवा कबो? तो पूरा पूरा पैसा तो के मिल जाल करे? नहीं, पूरा पैसा ना कबो मिलल? तो कुछ मिलता ना बा, परेशानी का भाई? राशन वासन नहीं मिलता है आपको? नहीं नहीं। आपके गांव के प्रधान कौन है? जनार्दन। जनार्दन यादव? हाँ। धामुपुर ग्राम सभा में आते हैं? हाँ हाँ। तो नरेगा वरेगा का पैसा मिला तो के? को आला मिलबा ना कल भाई पूछन बड़ा भैया। आ तो आ नरेगा में नाम है तो उनके देवे के न चाही? तू एको बार गल हवा पैसा उतारे? अरे अकेला ना बताओ तो रही है कि लिया के गए ना कि पैसा तो हर आया ला। हाँ। पासबुक देखला अपन कहता कि ना आया अपन कहना जा घर। नरेगा के एको बार पैसा मिला ला कि नहीं? नरेगा का पैसा हमन के एको बार का ना मिला ला। 1,000 महीना का आया पैसा तो के मिला ला? ना। एक महीना का पैसा तो के ना मिलल? 1,000 ना। राशन तो के सही से मिलल? हमें जितनी राशन कार्ड पर नाम रहल वही पर जॉब कार्ड पर उतनी 25 किलो राशन मिलल। हाँ, तीन आदमी का मन का नाम ना वो लैकन का वो जनार्दन प्रधान। नरेगा का पैसा आवत हल तो के मिल पावत हल कि ना? संजय जनार्दन ले लेला। संजय राम जनार्दन यादव आपके पैसा उतरवा के ले लेते? ले लेला। हाँ, तो आपको पैसा कितने देते थे उतरवा के? 100 रुपया 200 रुपया घुड़का चल पर दी और सब अपने पैसा ले लिया। सब अपने पैसा उतार कर ले लेते? हाँ, सब ठीक है सबका। वही जब इस पूरे मामले पर डीसी मनरेगा दिलीप कुमार सोनकर से बात किया गया तो उन्होंने लॉकडाउन के दौरान मनरेगा मजदूरों को शासन के द्वारा लाभ दिए जाने की बात बताते हुए कहा कि यदि इनके लाभ और खाद्यान्न में कोई हेराफेरी करता है तो उनके खिलाफ जांच कर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान डीसी मनरेगा ने बताया कि ग्राम प्रधानों द्वारा मनरेगा मजदूरों के साथ उनके दिहाड़ी मजदूरों की मजदूरी और राशन में गड़बड़झाला का एक मामला सामने आया था, जिसकी जांच कराई गई थी और वो सही पाया गया। मनरेगा मजदूर जो सक्रिय टोटल हमारे मजदूर जो है जिनको जॉब कार्ड इशू किया है हमने 3,19,214 है, जिसमें सक्रिय जॉब कार्ड धारक हमारे हैं 1,64,843 और जो श्रमिक हैं इसके अंतर्गत 2,06,875 श्रमिक हैं,
इनको अब तक जो इन लोग के खाते में जो सक्रिय समूह हैं आज इस जनपद में इस वित्तीय वर्ष में 8,095.04 लाख रुपया पैसा मिला है, इन सब के खाते में गया है। क्या सर ये लॉकडाउन के दौरान मिला है या? नहीं, ये लॉकडाउन के दौरान भी कुछ पैसा आएगा, इन्होंने जो काम किए हैं श्रम के बदले इनको मिला है। इसके अलावा और इन्हें क्या सुविधाएं मतलब दी जा रही है? इनके अलावा और शासन अभी निःशुल्क इन लोग को खाद्यान्न दिया जा रहा है जो सक्रिय जॉब कार्ड धारक हमारे, और इनका कहते हैं ऐसे भी जॉब कार्ड धारक हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी राशन कार्ड बनवाने की बनाया जा रहा है DSO की तरह। सर इस जो बहुत सारे मनरेगा मजदूर हैं उनका ये कहना है कि जो भी उनके खाते में पैसे आ रहे हैं वहाँ के उनके ग्राम प्रधानों के द्वारा जो उनसे वसूली कर ली जा रही है, यानी जैसे 1,000 में से मात्र 300 रुपये को दिया जा रहा है, 700 रुपये ले लिया जा रहा है या बहुत ज़्यादा दिया ही नहीं जा रहा है, तो ऐसे ग्राम प्रधानों के विरुद्ध क्या कोई किसी तरह की जाँच की जाएगी या कोई कार्रवाई की जाएगी? नहीं, एक प्रकरण आया था सादात में, उसमें कहते हैं कार्रवाई की जा रही है, वो बात सत्य पाई गई तो उसमें BDO साहब कहा गया FIR दर्ज करने के लिए। मामला था कि एक कोई हमारा श्रमिक काम किए थे तो 4,000 रुपया उसके खाते में आया था, तो पता चला कि 1,000 उसको मिला था, 3,000 प्रधान ले ले रहे थे, फिर गए तो प्रधान ने पैसा वापस किया, लेकिन उसने ये बात सत्य पाई गई तो BDO निर्देशित किया गया कि FIR दर्ज कराया। ऊपर जैसे जो प्रकरण आए हैं अगर ये मैं जाँच करा लेता हूँ, अगर इसमें सही रूप से तथ्य पाए जाते हैं उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।